खूब टूंका समय में फर्निचर की दुनिया में खूब नाम रोशन करेल छे, तो एक मुलाकात अवश्य लो। कासम शाह, आज दो बदलाव किए गए हैं टीम में, दो बदलाव किए गए हैं टीम में। अकरम शाह नहीं खेल रहे आज, उनकी जगह पे खेलेंगे गुलाम और अल्पेश मकवाना, उनकी जगह पे आज कासम शाह खेल रहे हैं टीम में। बापू हुसैन धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए, अंपायर से गुजारिश, थोड़ा मैच जल्दी स्टार्ट किए, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। बीटी गोहेल स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे हैं राज जाडेजा। जहां तक बात की जाए तो बेहतरीन टीम पूरे इंडिया में, एल के स्टार का बहुत बड़ा नाम, हर जगह अपनी छाप छोड़ते हैं एल के स्टार, बेहतरीन टीमों में से एक मानी जाती है इंडिया की। बड़े बड़े नामी नामी प्लेयर उनकी टीम में खेलते हुए। वसीम बलोच कीपिंग में, वही ला कुर्सी काली करी, अब जो ने यहाँ जा, यहाँ जा ले ले कुर्सी ले ले, अकी कुर्सी काली कर, बधाई नहीं कुर्सी काली कर जो बधाई, भैया कुर्सी काली करी अपन टीम वाला ने ज्योति से कुर्सी खाली करी आप जो बधाई भैया, कुर्सी खाली करी आप जो भाइयों, टीम वाला ने ज्योति छे हल्के से सिंगल बटोला, बेहतरीन गेंदबाजी अफरोज सैयद, बेहतरीन स्ट्रोक आरजे के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का, बेहतरीन स्ट्रोक, जैसे ही अपने पाले में देखी गेंद सीधा आरजे, जी हाँ, पैरों से गेंद को रोका है, यानी कि हिरेन राखो लिया, एक रन, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता कूदता भागता दौड़ता 8 रन, 10 ओवर का ये प्री क्वार्टर मैच खेला जाएगा। मिड विकेट की जाने भी खेलना चाहते थे, केवल एक रन, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन।
की है यहाँ पे एफ गुलाम बेहतरीन गेंद ऑफ कटर डाली हुई गेंद हल्के से पुश करना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में। बेहतरीन गेंदबाजी गुलाम शाह का काफी काबिल तारीफ का उभरता हुआ सितारा यानी कि गुलाम शाह। ओ मिड विकेट की जानिब घुमाना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा लॉन्ग ऑन की जानिब केवल एक रन इसी एक रन के साथ स्कोर 10 रन। कासम शाह यहाँ भी स्लीव में खड़े हैं टेन टेन का टी शर्ट पहने हुए। अब स्लीप लगा दी है यहाँ पे मिड विकेट के जाने खेलना चाहते थे वहां पे आसिफ देता मौजूद केवल एक रन इसी एक रन के साथ स्कोर 11 रन। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हैं यहाँ पे काफी बेहतरीन गेंदबाजी कहूंगा मैं। घुमाना चाहते थे लेकिन मना किया जी हाँ रन आउट खुदकुशी बेहतरीन फील्डिंग कहूंगा मैं यहाँ पे क्या गेम प्लान के साथ बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे खूबसूरत थ्रो और एम्पायर नहीं चुके रन आउट यहाँ पे पहला झटका लगता हुआ आरजे के रूप में। बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट जगत में स्कोर की बात की जाए तो सकल यानी कि 11 रन काफी बेहतरीन गेंदबाजी लॉन्ग ऑफ के जानिब खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के जानिब केवल एक रन इसी एक रन स्कोर रुका हुआ 2 ओवर 11 रन। खूबसूरत गेंदबाजी एक गुलाम की ओर से। खुशखबर खुशखबर जाम टीम की ओर से तीसरा यानी कि सर्कल का आखिरी ओवर लेके पधार चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी घुमाना चाहते थे फाइनल की जानिब लेकिन गेंद सीधा स्लिप के दस्तानों में। खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे बम 11 के जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम।
लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रोक, जितनी तारीफ की जाए इतनी कम। जैसे ही देखा थोड़ी सी हाफ वाली गेंद और घुमा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चार रन, इसी चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। एक बार मिड विकेट की जानिब खेलना चाहते थे लंबा स्ट्रोक, लेकिन केवल एक रन, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16। नीची रही गेंद, मिड विकेट की ओर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद नीची रहती हुई स्कोर रुका हुआ 16 रन। ओह बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधा 6 रन के लिए। गुलाम ने ट्राई करना चाहा लेकिन समझ चुके थे बहुत ही वाइड है, इसी 6 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 22 रन। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला है बीटी गोहाई, राजकोट से ताल्लुक रखने वाले। रिवर स्वीप, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन। क्या खूबसूरत सर्कल यानी कि पावर प्ले निकाला है बम 11 ने। राज जाडेजा का बड़ा विकेट। पॉइंट की जानिब, जी हाँ मिस फील्डिंग यानी कि 4 रन। शॉट को आराम से रोक सकते थे यहाँ पे कासम शाह, लेकिन थोड़े से हड़बड़ाहट में नजर आ चुके हैं। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। ये मिड विकेट की जानिब, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड रन, इसी एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 27। पॉइंट की जानिब खेलना चाहते थे लेकिन ये रन आउट का मौका था, लेकिन देखिए क्या फील्डिंग हुई थी, लेकिन रन आउट का पूरा चांस था लेकिन बच गए। तू आ जा मैं आ जाता हूँ, आखिर में तू भी रुक जा मैं भी रुक जाता हूँ। की जानिब फुलटोस गेंद को लो फुलटोस बना के केवल एक रन, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29। चौथी ओवर का खेल प्रगति पे,
धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। काफी बाहर ऑफ स्टंप से नौ बॉल। जी हाँ, अब ये वैभव कप में नया नियम है, थोड़ी सी बाहर गए अंदर नौ बॉल, यानी कि फ्री हिट, यानी कि भर पेट खाना और बिल नहीं चुकाना। ओ बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन केवल एक रन, फ्री हिट का कुछ ज्यादा फायदा नहीं, केवल एक रन, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31। क्या खूबसूरत गेंद, डॉट, अभी भी एक गेंद शेष, यानी कि एक वाइड एक नो बॉल डाली थी, यानी कि एक गेंद शेष, स्कोर 4-3.5, यानी कि 31 रन, और धीरे धीरे 8 की रन रेट से खेलते हुए। फुलतोस गेंद हवा में, गुलाम उनके नीचे और ये विकेट, बीटी गोहेल आउट होते हुए दूसरा झटका लगता हुआ, 4 ओवर 31 रन। ओवर की समाप्ति, अब जाने वाले बल्लेबाज। आ क्रिकेट सीजन, शॉपिंग बनचे फन, केम के पुजारा आपी रहिया चे स्मार्ट टीवीज, मोबाइल फोन्स पर स्पेशल डील्स, डिस्काउंट, कैशबैक एंड मच मोर। अब आ रहे हैं इंदौर से ताल्लुक रखने वाले वैसे दिलीप बिजवा, एक इंडिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम। दिलीप बिजवा इंदौर से ताल्लुक रखते हैं और काफी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट, यानी कि बहुत ही बड़ी लीग मैच खेलते हुए दिलीप बिजवा, काफी बेहतरीन होनहार ऑलराउंडर में जिनकी इंडिया में गिनती की जा रही है वैसे है दिलीप बिजवा। आज कंडोला की धरती पे क्या खूबसूरत माहौल और नजारा, और गेंदबाजी की बात की जाए तो गुलाम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तीसरा ओवर अब लेके आए हैं हिरेन राखोलिया। हिरेन अपने कोटे का पहला, टीम की ओर से चोर, पांचवा ओवर लेके नो बॉल का इशारा, और क्या खूबसूरत फील्डिंग है, मैं कहूंगा जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस फील्डिंग की। नो बॉल यानी कि फ्री हिट, भर भर खाना, फिर से एक बार बिल नहीं चुकाना। इसके साथ तीन रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। और बॉल किया लेकिन फ्री हिट, मैंने पहले ही कहा था भर पेट खाना बिल नहीं चुकाना। खूबसूरत गेंदबाजी, जितनी ही तारीफ की जाए बामी रवन की उतनी ही कम। खूबसूरत फील्डिंग, केवल डॉट ही गेंद, यानी कि 34 रन पे स्कोर अभी भी रुका हुआ। हवा में गेंद, फरान उसके नीचे, क्या खूबसूरत कैच, तीसरा झटका लगता हुआ।
ફરદીન ફરદીન કો બહેતરીન फरदीन को बेहतरीन बल्लेबाज यानी कि यूपी से ताल्लुक रखने वाले वैसे फरदीन दिलीप बेजवाब स्ट्राइक पे खूबसूरत गेंदबाजी थोड़े से हड़बड़ा लेकिन रन नहीं भागे दिलीप बेजवा स्कोर रुका हुआ 34 रन काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बम इलेवन के गेंदबाज खुल के खेलने का अभी तक मौका ही नहीं दिया किसी भी बल्लेबाज को पूरी तरह से जकड़ के रखा है फुल टॉस गेंद मिड विकेट की जानिब खेलना चाहते थे केवल एक रन इसी एक रन के साथ स्कोर 35 पांचवी ओवर का खेल प्रगति पे है और पूरी तरह से एल के स्टार को पकड़ के रखा है यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को कुछ स्कोर को लंबे का पहुंचाने के लिए विकेट पे खड़ा रहना पड़ेगा खूबसूरत कैच अपील की है विकेट खूबसूरत कैच इस कैच की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम का समस्या क्या बेहतरीन डाइव लगाई है यहाँ पे ओवर की समाप्ति 5 ओवर 35 रन और बड़ा झटका अब जा रहे हैं जोगीराज रॉक ये नो बॉल और फ्री हिट ये तीसरा नो बॉल है अभी तक लेकिन फ्री हिट में कुछ कर नहीं पाए कोई भी बल्लेबाज अब देखते हैं इस फ्री हिट में क्या होता है
दिलीप बिजवा फाइनल की जानिब केवल एक रन स्कोर बढ़ता हुआ 39। अब जोगी रांची राणा स्ट्राइक पे एक बेहतरीन बल्लेबाजों में से कभी भी एलके के लिए बल्लेबाज आना अभी भी शेष है यानी कि इकबाल मुमानी फिरोज शेख हरी काफी बड़े बड़े नाम अभी भी आना बाकी लेकिन बम इलेवन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम क्या समा बांध के रखा है। ये वाइड गेंदबाज चुके बल्लेबाज चुके लेकिन हमारे एम्पायर नहीं चुके स्कोर 40 रन। ये देखिए उनके पाले में गेंद लेकिन निश्चित रूप से 6 रन जो भी आधा दूर नहीं रख सकते ये कौन देखिए खूबसूरत शॉक जोगी रांची राणा यानी के जे आर के खूबसूरत गेंद ब्लॉकर में डाली हुई गेंद सूझबूझ के साथ खेलते हुए जोगी रांची राणा दो छक्के लगाने के बाद क्या खूबसूरत वापसी की है गुलाम ने 52 रन। क्या खूबसूरत एक और बेहतरीन गेंद ओवर की समाप्ति ओवर 6 ओवर 52 रन यानी कि अब आने वाली 4 गेंद में बम इलेवन क्या करती है और एड के स्टार क्या कर पाती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खबर जाम कंडोना एक मुलाकात अवश्य लो। अपने कोटे का दूसरा टीम की ओर से 7 मावल लेके देखिए क्या खूबसूरत गेंद लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलना चाहते थे 52 देखिए ओहो
वन स्ट्रोक, चार रन, क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला है दिलीप बिजवा। इंदौर से है ताल्लुक रखने वाले वैसे है दिलीप बिजवा, आज है जामकंडोला की धरती पे। खूबसूरत स्ट्रोक, जैसे ही देखा थोड़ी सी बाहर की ओर जा रही है गेंद, एक्स्ट्रा कवर की जाने भी खेल दिया है। चारन के साथ स्कोर बढ़ता कूदता 56। सातवीं ओवर का खेल जारी है, अब आने वाली यानी कि 22 गेंदे। खूबसूरत गेंद, फिर से एक बार सो चुके हैं अहमद, क्या खूबसूरत फील्डिंग। हेलो दिलीप बिजवा, क्या एम्पायर को लगती हुई गेंद। दो रन, एक और दो रन, यानी कि स्कोर 60 रन। सातवीं ओवर का खेल प्रगति पे बांध के रखा है, यहाँ पे पूरी तरह से बांधे रखा है एयर कैस्टल को। दो छक्के जोगीराज सिंह राणा ने जो जरूर लगाए। ओ, इसको भी घुमाना चाहते थे लेकिन बीटी गोहिल साहब ने स्टेज ऊपर जाड़े जैसे बोलावे छे। बीटी गोहिल साहब ने अब स्ट्राइक पे है जोगीराज सिंह राणा। ओहो, फरान उनके नीचे, लेकिन कैच नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही बड़ा झटका जोगीराज सिंह राणा लगता हुआ। पांच अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए इकबाल मोमानी यानी के सुरेंद्र नगर। क्या कल भुज कच्छ में अपना जलवा दिखा रहे थे इकबाल मोमानी, आज वैभव कप में नजर आ रहे हैं। हर जगह छाए रहते हैं इकबाल मोमानी। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं फरान मतवा, एक होनहार गेंदबाजों में से एक। स्कोर 61, सातवीं ओवर खत्म, आठवीं ओवर का खेल प्रगति पे। अब आने वाली तीन गेंदे, तीन ओवर यानी कि 18 गेंदे, देखना होगा क्या कर पाते हैं ऑर्केस्ट्रा और क्या कर पाती है बम इलेवन। पूरी तरह से हावी रह चुकी है बम इलेवन अभी तक।
निश्चित रूप से वाइड ही होगा, काफी बाहर ऑफ स्टंप से, काफी ज्यादा बाहर। देखिए चिप 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 यानी कि छे, जी हाँ दिलीप बिजवा का यह ट्रेडमार्क है। खूबसूरत स्ट्रोक, स्कोर 68। खूबसूरत टावरिंग 6 रन, स्कोर 74। अब मैंने पहले ही कहा था दिलीप बिजवा हाथ खोलते हुए थोड़े से अब देखना होगा क्या 74। फिर से एक बार आगे आगे खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा लोगों की जानिब, स्कोर बढ़ता कूदता 75 रन, 5 विकेट के नुकसान पे अभी भी 15 गेंदें आना शेष। इकबाल मोमानी जाने माने बल्लेबाजों में से, पूरे गुजरात में उनका बहुत बड़ा नाम। फुलटॉस गेंद तोफा, क्या खूबसूरत फील्डिंग, सतहत्तर रन, 5 विकेट के नुकसान पे 4 गेंद हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदे आना शेष। थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ फलान का, 4 गेंदों में 16 रन। देखिए वन स्ट्रोक बाय इकबाल मोमानी, 83 यानी कि 83 रन, बहुत ही महंगा। और के केरन पोलार्ड के नाम से भी मशहूर है मिस्टर इकबाल मोमानी फ्रॉम सुरेंद्र नगर। देखिए 28 रन इस ओवर से आते हुए, महंगे से भी महंगा ओवर, काफी ज्यादा महंगा, जितना बांध के रखा था बम इलेवन के अफरोज सैयद फरान, सॉरी गुलाम शाह और हिरन राखोलिया ने बांध के रखा था, लेकिन उनको पूरी तरह से खोल के रख दिया है फरान मतवा ने, यानी के
नहीं पहुंच पाए गए। दिलीप बिजवा 15 गेंदों में 34 रन। क्या खूबसूरत खोद के निकाला हुआ स्टॉक। थोड़ी सी फील्डिंग को चेंज करते हुए हीरे ने राखो लिया 97। वो आ गेंद को शायद पाले में आई नहीं लेकिन बहुत दूर जाती। लेकिन क्या खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए हीरे ने राखो लिया। अभी तक 22 रन ही खर्च किए हैं, 3 बहुमूल्य विकेट अपने नाम करते हुए। अब इकबाल मोमानी 3 गेंदों में 2 छक्के लगा के 14 रन पे खेलते हुए। एम्पायर का सलाह लेग बाय 99। 4 गेंदे हुई है और दिलीप बिजवा स्ट्राइक पे। खुलतोस गेंद और नो बॉल, 4 रन, 5 रन इस गेंद से आते हुए। यानी कि अब स्कोर बढ़ता कूदता भागता दौड़ता। खोद के निकाला हुआ स्टॉक 110 रन। बेबी एक गेंद आना शेष। वर्षे 12
21 रन इस ओवर से। बल्ले से ठीक से आई नहीं। ओवर की समाप्ति 112 रन। अब आखिरी ओवर वाह, व्हाट अ स्ट्रोक बाय इकबाल मुमानी। मैंने पहले ही कहा था इन दो बल्लेबाजों को आप 6 रन से ज्यादा दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक पोलार्ड तो एक ईशान किशन। इंदौर खूबसूरत ब्लॉक ऑल डाली हुई गेंद। बेहतरीन गेंद, काफी तेज छोड़ी हुई गेंद बापू हुसैन ने, सीधा पेलों पे जाके टकराई। स्कोर 119 यानी कि 119 रन। हवा में गेंद, लेकिन जी हाँ 6 रन। इसके साथ दिलीप बिजवा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। ये रन आउट का चांस था, लेकिन बाल बाल बचे यहाँ पे। तो अगर थोड़ा सा अच्छा होता तो निश्चित रूप से दिलीप बिजवा पेवेलियन की ओर लौटते। अब 127 रन आने वाली दो गेंदे। खूबसूरत गेंदबाजी बापू हुसैन। आखिरी गेंद इस इनिंग की। हवा में गेंद, आसिफ देथा नीचे, ओ ये छूटता हुआ। दो रन
देखिए देखिए ये हड़बड़ाती ही नजर आती हुई, तीन रन भाग चुके हैं अभी तक। अति आधुनिक फर्नीचर नो शोरूम एटले साइन आर्ट फर्नीचर। आपना घर अने ऑफिस ने सजावट माटे हमेशा याद रखो साइन आर्ट फर्नीचर। विशाल रेंज मा डिस्प्ले धरावतो शोरूम आप नवी वैरायटी तदन नवी डिजाइन मा वुडन स्टील अने प्लास्टिक फर्नीचर मा लेटेस्ट कलेक्शन आपने गमतु आपना भाव मा उत्तम क्वालिटी अने व्याजबी भाव एज साइन आर्ट फर्नीचर नो ध्येय छे। एटले ज तो खूब ज टूंका समय मा फर्नीचर नी दुनिया मा खूब ज नाम रोशन करेल छे, तो एक मुलाकात अवश्य लो। आपनु सरनामु छे साइन आर्ट फर्नीचर जाम कंडोरना। तो याद रहे साइन आर्ट फर्नीचर। खुश खबर खुश खबर खुश खबर, जाम कंडोरना शहर मा अति आधुनिक फर्नीचर नो शोरूम एटले साइन आर्ट फर्नीचर। अपना घर अने ऑफिस ने सजावट माटे हमेशा याद रखो साइन आर्ट फर्नीचर। विशाल रेंज मा डिस्प्ले धरावतो शोरूम आप नवी वैरायटी तदन नवी डिजाइन मा वुडन स्टील अने प्लास्टिक फर्नीचर मा लेटेस्ट कलेक्शन आपने गमतु आपना भाव मा उत्तम क्वालिटी अने व्याजबी भाव एज साइन आर्ट फर्नीचर नो ध्येय छे। एटले ज तो खूब ज टूंका समय मा फर्नीचर नी दुनिया मा खूब ज नाम रोशन करेल छे, तो एक मुलाकात अवश्य लो। आपनु सरनामु छे साइन आर्ट फर्नीचर जाम कंडोरना। तो याद रहे साइन आर्ट फर्नीचर। खुश खबर खुश खबर खुश खबर, जाम कंडोरना शहर मा अति आधुनिक फर्नीचर नो शोरूम एटले साइन आर्ट फर्नीचर। आपना घर अने ऑफिस नी सजावट माटे हमेशा याद रखो साइन आर्ट फर्नीचर। विशाल रेंज मा डिस्प्ले धरावतो शोरूम आप नवी वैरायटी तदन नवी डिजाइन मा वुडन स्टील अने प्लास्टिक फर्नीचर मा लेटेस्ट कलेक्शन आपने गमतु आपना भाव मा उत्तम क्वालिटी अने व्याजबी भाव एज साइन आर्ट फर्नीचर नो ध्येय छे। एटले ज तो खूब ज टूंका समय मा फर्नीचर नी दुनिया मा खूब ज नाम रोशन करेल छे, तो एक मुलाकात अवश्य लो। आपनु सरनामु छे साइन आर्ट फर्नीचर जाम कंडोरना। तो याद रहे साइन आर्ट फर्नीचर। खुश खबर खुश खबर खुश खबर, जाम कंडोर।
लेके राजबा सॉरी राजबा परमार स्ट्राइक पे हिरन राखोलिया नॉन स्ट्राइक पे है वसीम ब्लॉच फील्डिंग की बात की जाए तो लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन शॉर्ट कवर पॉइंट कवर थर्ड स्लिप स्लिप फाइन लेग और सभी राजबा अपने कोने का पहला टीम की ओर से पहला ओवर लेके सामने हिरन राखोलिया पैरेलल स्वीप खोद के निकाला हुआ स्ट्रोक केवल एक रन इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ एक रन इसी एक रन अब स्ट्राइक पे वसीम ब्लॉच ओ घुमा के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे फिर से एक बार गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में राजबा परमार क्या खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए खूबसूरत स्ट्रोक पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक क्या बेहतरीन स्ट्रोक ट्रेडमार्क वसीम ट्रेडमार्क शॉट है ये जैसे ही देखा अपने पाले में गेंद गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेला चार रन इसी चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पांच रन मिड विकेट की ओर लो फुल टॉस केवल एक रन इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ छह रन पैडल खेली हुई एक रन स्कोर ओवर की समाप्ति सात रन पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है सात रन खबर खुश खबर जाम बात की जाए फील्डिंग की तो मिड विकेट और लोगों ने दोनों ही बाहर हल्की सी ही फ्लैट छोड़ी हुई गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में से क्रिकेट चलता हुआ घुमा के मिड विकेट की ओर जाने भी खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में के निकाला हुआ स्ट्रोक चार रन से नहीं रोक पाएंगे
इकबाल मिड विकेट की जानिब घुमाया, लेकिन वहां पे केवल एक ही रन मिलेगा। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। खूबसूरत स्ट्रोक, पॉइंट की बाजू में से निकाला हुआ स्ट्रोक, 4 रन। तो कोई विकेट नहीं गया आया। खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन मिड विकेट पे वहां पे खिलाड़ी मौजूद, केवल एक रन। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन। खूबसूरत स्टार्ट करते हुए बाम 11, अभी तक कोई विकेट नहीं गवाया। आने वाली 48 गेंदों में 115 रन। अगर ये दो बल्लेबाज जितनी देर क्रीज पर खड़े रहे उतनी देर बाम 11 जीत की करीब पहुंचते हुई। 48 गेंदे 115 रन, इस विकेट पे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं राजबा प्रमाण, और वसीम की बात की जाए तो शायद इसी विकेट पे फले बुरे और बड़े हुए हैं, काफी पहचान है इस विकेट की। ओ बेहतरीन स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन पैर फंसा और केवल एक रन। पैडल स्वीप करना चाहते थे। अब स्ट्राइक पे है हिरेन राकोलिया। ओ ये देखिए अजीब और गरीब स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक हिरेन राकोलिया खेलते हुए। खूबसूरत ये इस बार नहीं गलती की है, राजबा परमार ने स्लिप रखी थी उसी के लिए फंसे हिरेन राकोलिया। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। और कल की बात बता दूं तो कल 2 सेमी खेले जाएंगे, ऑलरेडी 3 टीम पहुंच चुकी है। अब इसे दोनों में टीमों में से जो टीम जीतेगी वो कल सेमीफाइनल खेलेगी, यानी के पावन गोंडल। यानी कि पावन और आजाद गुदियाना और राज शक्ति दिबड़ा ऑलरेडी सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है, और इसके बाद जो दो टीमें जीतेगी वो जेके कलरिया के सामने क्वार्टर खेलेगी, और दो टीमों में से जो जीतेगा वो कल सेमीफाइनल में। अब आए हैं नदीम खत्री, एक बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक। राजबा परमार की 4 गेंदे यानी कि 44 गेंदे, अभी भी 110 रन चाहिए। रिवर स्वीप, ये मिस फील्डिंग, केवल एक रन ही मिलेगा।
हवा में गेंद, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद, खो एक रन, ओवर की समाप्ति 3/24। अब गेंदबाजी के लिए कौन आता है देखना पड़ेगा। बीटी गोहल अपनी कोठे का दूसरा, टीम की ओर से चौथा ओवर लेके स्ट्राइक पे है वसीम बलोच। ये अंदर की ओर गेंद आई, समझ नहीं पाए। वसीम ब्लॉच और नदी में खतरी, काफी बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक दोनों ही। मिड विकेट की जानेब खेलना चाहते थे, लेकिन ठीक से बल्ले पे आई नहीं, केवल एक रन इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25। काफी एक खामोश क्रिकेट चलता हुआ। अब स्ट्राइक पे है नदीम खत्री, हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे और ये झटका लगता हुआ नदीम खत्री के रूप में। राज जडेजा नदीम खत्री अपना निजी स्कोर 1। अब स्ट्राइक पे वसीम ब्लॉच, अब जाने वाले बल्लेबाज अफरोज सैयद, काफी बेहतरीन ऑलराउंडर में जिनकी गिनती की जाती है वैसे अफरोज सैयद। फिर से एक बार मिड विकेट की जाने पे खेलना चाहते थे, लेकिन केवल एक रन इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26। हल्के से 100 ओवर की जानी पुश किया। अगर अफरोज 6 लगाते हैं तो आमिर सूर्या की ओर से 250 का इनाम। फिर से एक बार मिड विकेट की जानिब, केवल 1 रन, 4/28। अब आने वाली 36 गेंदे चाहिए 104 रन, यानी कि हर ओवर में 17 रन। अब गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाजी, गेंदबाज का नाम इकबाल मोमानी, प्लीज गेंदबाज का नाम बताएं। विक्रांत। विक्रांत इकबाल कुछ नहीं बोलेंगे, पूछेंगे तो भी। विक्रांत को बेहतरीन गेंदबाज, वसीम स्ट्राइक पे। स्टेड में खेलना चाहते थे, लेकिन केवल एक रन इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29। अब स्ट्राइक पे है अफरोज, काफी ज्यादा बाहर वाइड, गेंदे 102 रन।
वाह व्हाट अ स्ट्रोक, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन सीधा हाथों में देके आते हुए अप्रोच, क्या खूबसूरत स्ट्रोक। अब बल्लेबाजी के लिए गए हैं गुलाम, गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में। भाई मयूर चुड़ासमा जिया हुआ कमेंट बॉक्स में आ गई, मोबाइल नो कोड हूं से भाई थ्री किलोस में लॉक थी गए 25 दिया। केवल एक रन, एक मिनट भाई एम्पायर, भाई चालू आको एक खाली एक सिंगल ओपन ड्रो यहाँ पे होता हुआ। इसके ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति के बाद 32 गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार बेटी को हाल, और सेमीफाइनल का प्लीज बताइए क्या हालचाल। घुमा के पीछे खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा कीपर के दस्त। और इन दोनों में से जो टीम जीतेगी क्वार्टर वो आजाद कुतियाना के सामने पहला सेमीफाइनल खेलेगी, दूसरा पावन भी और आ सकती है रिबड़ा। रिवर स्वीप चार रन, चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36। स्टॉक खेला यहां पे गुलाम ने, रिवर्ड स्वीप हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे और ये छूटता हुआ।
पांचवी गेंद उठाकर खेला यहां पर वसीम के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का, इसे 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता जा रहा है, इसे 45 रन। अभी भी एक गेंद इस ओवर की आना बाकी, यानी कि बीटी गोहिल साहब जो के अपने कोठे का तीसरा ओवर लेकर आए हैं, 5 गेंद हो चुकी है तीसरी ओवर की, 27 रन दे चुके हैं, 1 विकेट अपने नाम कर लिया है। और अब अगली गेंद, आखिरी गेंद इस ओवर की, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर गेंद जारी, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46, और 6 ओवर का खेल अब यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 6 ओवर के बाद 52 रन का स्कोर है 46 की, यानी कि 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 24 गेंदों पर 52 रन को 86 रनों की जरूरत है, यानी कि हर ओवर में 21 रनों की जरूरत। मेरे ख्याल से अगले गेंदबाज बॉलर नाम के जो फिरोज अब गेंदबाजी के लिए आया है। फिरोज शेख जो के काफी बढ़िया गेंदबाज। अगली गेंद फिरोज और स्ट्राइक पर रहेंगे वसीम जो के 24 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिन्होंने 18 गेंदों का सामना किया है। अब सामने है फिरोज, अगली गेंद फिरोज की, काफी बढ़िया गेंद लेकिन उतना ही स्ट्रोक भी बढ़िया और उतनी बढ़िया फील्डिंग भी, खुद के बॉल पे खुद नहीं फील्डिंग की और डॉट गेंद। उठाना चाहते थे फिर से लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पे आई नहीं और 1 ही रन मिलेगा वहां पर। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। उठाया गेंद को, गेंद हवा में जाते हुए फील्डर रन चिहाते हुए लेकिन और ये कैच ड्रॉप होता हुआ और 4 रन भी मेरे ख्याल से जाते हुए, 4 रन के साथ 2 मिलियन का स्कोर 50 के पार जाता हुआ, यानी कि 51 रन। बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद गेंदबाज फिरोज के द्वारा और डॉट गेंद। अगली गेंद फिर से बढ़िया स्ट्रोक लेकिन बढ़िया कैच था, लेकिन राजभा ने बहुत ही बढ़िया ट्राई की लेकिन हाथों से छटक गई गेंद और वहां पर 2 रन लेते हुए वहां पर बल्लेबाज। 2 रन के साथ फिर से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, ओवर का इशारा, यानी कि अब 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 7 ओवर के बाद स्कोर है 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कल जो मुकाबले 2 होने वाला है हमारे सेमीफाइनल, उसमें जो इसमें इस मुकाबले में जो टीम इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है उसमें जो जीतेगी वो टीम और राज आजाद 11 कुतियाना के बीच होगा पहला मुकाबला और दूसरा मुकाबला होगा राज शक्ति रिबड़ा और पावन 11 गोंडल के बीच। बॉलर रवि हरी ओके हरी बोटा
अब गेंदबाज के लिए आई हरी बोटाद, लेकिन पहली गेंद पर चौका पड़ता हुआ यहां पर हरी बोटाद को, और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन, और अपने कोटा का पहला ओवर लेके आए हरी बोटाद और पहली गेंद पे चौका। काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अब तक वसीम ने किसी गेंदों का सामना किया है और 29 रन बनाए हैं अभी तक। ये 8वें ओवर की पहली गेंद जहां पर 4 रन और अगली गेंद फिर से उठाना चाहते थे लेकिन गेंद हवा में जाते हुई, लेकिन कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं और दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं। इसके साथ 2 रन आसानी से पूरे करते हुए काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज अपने रनअप पे। बढ़िया स्ट्रोक वसीम के बल्ले से निकलता हुआ ये मेरे ख्याल से चौका, ऐसे 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 यानी कि 63 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सोचियो बोल लू भी जीत के लिए 15 गेंदों में 69 रनों की जरूरत। फिर से उठाया है गेंद को, फिर से बढ़िया स्ट्रोक यहां पर वसीम के बल्ले से निकलता हुआ ये एक और चौका, 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पहला दड़ो मड़ी जाए तो यहां पे देजो। अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज अपने रन पे, इस ओवर में मेरे ख्याल से अब तक 14 रन आ चुके हैं, 4 गेंदें हुई अब तक। बढ़िया शॉट, फिर से उसी जगह पे खेला हुआ शॉट, लेकिन वहां पर बढ़िया फील्डिंग वहां पर राजा जाडेजा की, और केवल एक ही रन। फिर से अगली गेंद उठाया गेंद को, काफी बढ़िया स्ट्रोक यहां पर, जान हानि शॉट और 4 रन के लिए, 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72, 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी। दलो जड़ियो नहीं पूछो तो नहीं दड़ो मिलो भैया बोल मिलो ना बोलर विक्रांत ओके विक्रांत बोलर अब गेंदबाजी के लिए आया है विक्रांत। काफी बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद, डॉट गेंद साथ ही अभी 11 गेंदों पर जीत के लिए 60 रनों की जरूरत है बॉम मिले उनको। काफी बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और आसान सा कैच, और वसीम वापस आते हुए यहां पर आउट हो गए। अब मेरे ख्याल से बम 11 का ये ओरिजिनल बम आया है।
कम मिले उनको अभी भी जीत के लिए 10 गेंदों में 60 रन यानी कि हर गेंद पे छक्का। बढ़िया स्ट्रोक कर लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है केवल एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ धीरे धीरे से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बम मिलेवन का बम आ चुका है अब मैदान पर, देखते हैं क्या होता है। उठाना चाहते थे ठीक तरह से बल्ले पे आई नहीं और गेंद जाती हुई वहां पर और ये दूसरे के निकल चुके हैं। काफी बढ़िया रनिंग यहां पर और तीसरे निकल लिए और 3 रन यहां पर पूरे करिए। गुलाम मेरे ख्याल से शायद थकाना चाहते हैं अपने पार्टनर को यानी कि बॉम को। अगली गेंद कौन सा शॉट खेलना चाहते थे किसे पता नहीं चला और डॉट गेंद। आखिरी गेंद अभी 20 ओवर की बाकी। नहीं लेंगे मेरे ख्याल से बॉम अब रन नहीं लेंगे। गुलाम आखिरी 6 गेंदों का खेल अब बाकी, आखिरी 6 गेंदों पे रन चाहिए 56 रन यानी कि नामुमकिन। गेंदबाजी के लिए आया है फिरोज अपने कोटे का दूसरा और टीम का आखिरी ओवर लेकर और स्ट्राइक पर रहेंगे बॉम 11 के बॉम। अमीर सूर्या यानी के बॉम हमें नीचे से यहां से कहा जा रहा है उसको बम ही बुलाना। फिर जैसे एक अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और टीम का आखिरी ओवर लेकर। बढ़िया गेंद काफी बढ़िया गेंद डॉट गेंद और आखिरी 5 गेंद। रजाक सिंह वाला बढ़िया गेंद बिल्कुल पैरों में डाली हुई गेंद और 1 रन चुराते वहां पर अमीर सूर्या। अब जीत के लिए 4 गेंदों में 55 रनों की जरूरत। अगली गेंद गेंदबाज फिरोज काफी बढ़िया गेंद काफी बढ़िया गेंद रन आउट का मौका बन सकता है अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो लेकिन नहीं और 1 ही रन मिलेगा वहां पर वो भी बाय के रूप में। रजाक सिंह वाला हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे बैठा हुआ अब अगर किसी को सिंह लेनी हो तो आ जाए रजाक सिंह वाला। 3 गेंदें अब तक हुई शोर की उठाना चाहते थे फिर से लेकिन डॉट गेंद। बढ़िया गेंद काफी बढ़िया गेंद बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद कुछ पता नहीं है यहां पर अमीर सूर्या को और आखिरी गेंद बस और का यानी कि इस मैच की आखिरी गेंद। और यहां पे एल के ये मैच जीती हुई